अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स टुडे इन आवर पार्ट नंबर 68 वी विल डिस्कस अ फ्यू मेडिकल टर्म्स। द मेन टर्म व्हिच इज वेरी इजी एंड कॉमन इज ओबेसिटी। ओके व्यूअर्स, आपको पता है कि ओबेसिटी मोटापे को बोलते हैं, जब नॉर्मल से वजन ज़्यादा बढ़ जाए तो ये कंडीशन, ये एबनॉर्मेलिटी जो है ये ओबेसिटी कहलाता है, जो मोटापा कहलाता है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर चंद और अल्फाज को, टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा इजी भी है और इतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। उसका कॉमन यूज़ इस डिज़ीज़ के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जहन में ये अल्फाज, ये टर्म्स आने चाहिए। एक लफ्ज़ है फैटीनेस, फैट्स से निकला है कि फैट्स का ज़्यादा होना नॉर्मल से, तो डेफिनेटली फैट्स ही से बंदा जो है वो मोटा हो जाता है। एक लफ्ज़ और है, दिस इज़ फ्लैशीनेस। व्यूअर, जिस तरह फैट चर्बी है तो ये फ्लैश जो है ये गोश्त पोर्स को, जो मसल्स हैं उसको बोलते हैं। तो जब फ्लैशीनेस का मतलब ये है कि वो जो बंदा है उसमें जो गोश्त पोर्स है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है, उसका वज़न ज़्यादा है तो ये फ्लैशीनेस होगा। ये ग्रॉसीनेस, तो ग्रॉसीनेस भी इसी किस्म की हेवी होना है, बड़ा होना है। एक लफ्ज़ है छबीनेस, ये जो छबी का लफ्ज़ है, फरबा, छबीनेस, फरबापन जो मोटापे के लिए यूज़ होता है ये भी यूज़ होता है। व्यूअर्स, एक लफ्ज़ है कॉर्पुलेंसी, तो कॉर्पुलेंसी भी वही ओबेसिटी के लिए यूज़ होने वाला एक लफ्ज़ है। एक और है एडिपोजिटी, सेम ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए, वजन की ज्यादा के लिए यूज होता है। व्यूअर, जिस तरह ओबेसिटी एक एबनॉर्मल कंडीशन है और क्या बोलते हैं, मोटापे के लिए यूज होता है, जो एक कंडीशन है। अब अगर कोई बंदा मोटा है तो उस पर्सन को, उस बंदे को ओबीज कहा जा सकता है कि ये बंदा ओबीज है, तो ओबीज वही मोटा, ठीक है, जिस तरह छबी, फ्लैशी, फैटी, ये अल्फाज के लिए यूज़ हो सकता है। एक लफ्ज़ सामने आया तो मैंने कहा आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, ये एक लफ्ज़ है ओबीजोजीनिक। व्यूअर, जो जीनिक का लफ्ज़ हुआ करता है तो ये इस मकसद के लिए होता है कि कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन उसकी है, उसकी प्रमोशन है, उसकी बनना है, पैदा होना है, तो ओबीजोजीनिक वो फैक्टर्स हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो हैबिट्स हैं या जो भी है, जिसकी वजह से वज़न जो है वो बढ़ता हो, ठीक है। एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है लीननेस, दिस इज़ अपोजिट ऑफ ओबेसिटी, वहाँ पे वेट गेन है, वज़न का ज़्यादा होना है, ओके, और यहाँ पर वज़न का नॉर्मल से कम होना है। लीननेस, अगर वज़न नॉर्मल से कम हो लीननेस बोलेंगे। स्लिमनेस, जिस तरह स्लिम होता है, पतला होता है, इसी तरह थिन, थिन आर्म भी वही पतला होना, थिननेस, ये अल्फाज जो है अगर नॉर्मल से वज़न की कमी हो तो यूज़ होते हैं। एक और लफ्ज़ यहाँ लिखा है इमेसिएशन। व्यूअर्स, इमेसिएशन जो है वो कंडीशन है जिसमें किसी भी वजह से बीमारी हो, जिस तरह टीबी वगैरह, उससे जो वज़न है, जो गोश पोश है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जिस तरह वेट लॉस या फ्लैश लॉस भी उसके लिए कहा जा सकता है। व्यूअर्स, इजी सी बातें थी, उम्मीद है आप लोगों के जहन में बैठ गई होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।